नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन 31 जनवरी तक सख्ती। कोरोना वायरस के ताजा हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जो कि 31 जनवरी 2021 तक जारी रहेगी। नई गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने कोरोना के नई स्ट्रेन का जिक्र किया है। बता दें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है। भारत में भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन दुनिया भर के कई देशों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रांची में आज सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रवेश पर प्रतिबंध। झारखंड में हेमंत सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर रांची के मोराबादी मैदान में समारोह का आयोजन किया गया है। बता दें, इस आयोजन को लेकर रांची शहर का ट्रैफिक रूल बदला गया है। रांची पुलिस के द्वारा जारी आदेश के अनुसार 29 दिसंबर को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जबकि छोटे वाहनों के भी सभी मार्ग बदल दिए गए हैं। बता दें, पुलिस ने इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें 29 दिसंबर के लिए रूट का प्लान बताया गया है। प्राथमिक शिक्षकों के 39,408 पदों पर वैकेंसी जल्द। प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक नए साल पर झारखंड में प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के करीब 39,408 पदों पर बम्पर बहाली होगी। इसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें, प्राथमिक से लेकर प्लस टू तक के शिक्षकों के 39,408 पद रिक्त हैं। वहीं पहली से आठवीं क्लास में 22,728 पद खाली हैं। इन सभी खाली पदों को भरने को लेकर तैयारी चल रही है। बहुत जल्द कोई सूचना जारी किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा विभाग और स्वच्छता विभाग ने सीएम हेमंत सोरेन के समक्ष इन शिक्षकों के खाली पदों का विवरण रखा है। पिकनिक मनाने जा रहे चार युवकों की मौत। झारखंड में एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। बता दें, सभी पिकनिक मनाने दशम फॉल जा रहे थे। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। बताया गया है कि सभी सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर के रहने वाले थे। झारखंड के बरसों पानी में ताली बजाते ही होने लगती है बारिश। झारखंड के हजारीबाग के बड़का गांव में दुनिया का हैरत अंगेज स्थल है बरसों पानी। बता दें, यहां बरसों पानी जोर से बोलते ही एवं ताली बजाते ही रिमझिम बारिश होने लगती है। नए साल में यहां की मनोरम वादियों में पिकनिक मनाने आ सकते हैं। यह स्थल हजारीबाग जिला के बड़का गांव प्रखंड मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। बता दें, बड़का गांव की आंगो पंचायत के झिकझोर पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। गढ़वा से तमिलनाडु जा रहे 24 युवक युवतियां मानव तस्करी से बचे। गढ़वा से काम के बहाने तमिलनाडु ले जा रहे तीन नाबालिग समेत 24 युवक युवतियां को लातेहार थाना की पुलिस ने मानव तस्करों के चंगुल में आने से बचाया। बता दें, इसमें तीन नाबालिग समेत 13 युवती एवं 8 युवक शामिल है। सभी को तमिलनाडु से ही भेजी गई एक सुरक्षित बस से ले जाया जा रहा था। झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी मिलकर करेंगे सरना धर्म कोड का विरोध। झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग के विरोध में मिलकर सड़क पर उतरेंगे। बता दें, ढोल मांदर की थाप पर पारंपरिक लोक गीतों की धुन के साथ लोगों को इस कोड से जनजातीय समाज को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक भी करेंगे। रविवार को शहर के विशिष्ट कम्युनिटी हॉल में आयोजित जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित महासभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। सरकार मुफ्त में नहीं दे रही लैपटॉप, ऐसे मैसेज से रहे अलर्ट डीजीपी। झारखंड के डीजीपी एमबी राव ट्वीट कर जानकारी दिया है कि आम लोगों के पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सरकार देश के सभी छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप दे रही है। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो जियो भी लैपटॉप ऐप पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करें। यहाँ लिंक भी दिया गया है। आप साइबर अपराधियों के झांसे में नहीं आए, आप इस मैसेज का जवाब नहीं दे, ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो आप सतर्क रहें। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। झारखंड के डीजीपी एमबी राव ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड पुलिस की नज़र ऐसे मैसेज भेजकर लोगों को झांसा देने वाले लोगों पर है। आम लोगों की सतर्कता और पुलिस की कड़ी मेहनत से ये साइबर अपराधी शिकंजे में होंगे, इसलिए आम लोग ऐसे मैसेज का जवाब न दें। झारखंड में 152 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। बता दें, झारखंड में कुल एक्टिव केस 1582 है। वहीं भारत में 16,072 नए संक्रमित मिले हैं। भारत में कुल एक्टिव केस 2,67,017 है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में रांची समेत पूरे राज्य में कनकनी के और बढ़ने की संभावना है। विभाग के द्वारा पहले संभावना जताई गई थी कि 28 दिसंबर से रांची समेत आसपास के इलाके में बादल छाएंगे।
मगर इस दौरान देश के दूसरे हिस्सों में बने सिनोटिक पिक्चर के कारण ऐसा नहीं हुआ। बता दें वर्तमान में रांची, लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर पूरे राज्य में औसत न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। वहीं रांची, लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम में औसत न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। नव वर्ष पर घरों में ही मनाए पिकनिक राज्यपाल। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों से नव वर्ष के मौके पर अपने घरों में ही परिवार के साथ पिकनिक मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अभी देखा जा रहा है कि नव वर्ष के आगमन पर लोग अत्यंत उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में पिकनिक मना रहे हैं। वे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। नियोजन नीति रद्द होने से शिक्षकों व सरकार को झटका। झारखंड के 8,000 से अधिक शिक्षकों को तब बड़ा झटका लगा जब झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी नियुक्ति रद्द करने का फरमान सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मरहम लगाते हुए उन्हें अंतिम राहत प्रदान की। दरअसल हाई कोर्ट की बृहद पीठ ने नियोजन नीति को असंवैधानिक करार देते हुए अधिसूचित जिलों के शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी और दोबारा नियुक्ति कराने का आदेश दिया। झारखंड से बिहार जा रहे 28 पशु जब्त। रांची जिले के ओरमांझी पुलिस ने पुदांग टोल प्लाजा के समीप से बिहार के औरंगाबाद जा रहे एक कंटेनर से 28 पशुओं को जब्त किया है, जबकि इस धंधे में लिप्त यूपी के रामपुर निवासी कंटेनर के ड्राइवर सबीर अली मोहम्मद आसिफ एवं अबू रेहान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। गुमला में सोच गई छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म। गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र निवासी 8वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ गांव के दो युवकों विकास उराव व दीपक लोहरा ने रविवार की रात सामूहिक दुष्कर्म किया। ग्रामीणों ने दोनों आरोपित युवकों को उसके घर से पकड़ा और उसकी पिटाई करने के बाद घाघरा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्रा एक छठी के कार्यक्रम में अपने पैतृक गाँव गई हुई थी। यहाँ वह अपनी बहन के साथ रविवार की रात करीब 8:30 बजे शौच के लिए घर से निकली थी। सरकार की वर्षगांठ पर विशेष सुरक्षा। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के एक वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बता दें सोमवार की दोपहर रांची डीसी छवि रंजन तथा एसएसपी सुरेंद्र झा ने सुरक्षा के लिए तैनात किए गए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि समारोह में हमें एक साथ दो अलग अलग मोर्चे पर काम करना होगा। एक तरफ जहाँ समारोह में आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। नए साल में जनवरी से टिकाऊ घरेलू सामानों की कीमतों में वृद्धि लगभग तय है। बताया जा रहा है कि तांबा और एल्युमिनियम जैसे इस्पात के कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ऐसा होगा। इससे एलईडी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर जैसी घरेलू सामानों की कीमतों लगभग 10% तक बढ़ सकती है। लोहरदगा से 18 मवेशी जब्त। लोहरदगा जिला के कुड्डू थाना पुलिस ने सोमवार की सुबह दो पिकअप वाहन में लदे 18 मवेशियों को जब्त किया है। इस मामले में पशुपालन विभाग की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। इसे पूरा होने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई पूरी की जाएगी। फिलहाल कुड्डू थाना पुलिस और पशुपालन विभाग पूरे मामले की जाँच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। काला जीरा धान की खेती। विकास भारती के प्रयास से गुमला जिला के नक्सल प्रभावित इलाके बनालात के किसानों की जिंदगी सवार रही है। बता दें यहाँ बासमती धान की किस्म काला जीरा की खेती से दर्जनों किसान परिवारों की जिंदगी महक रही है। यहाँ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रासायनिक खाद के उपयोग की बजाय जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। विकास भारती के माध्यम से संचालित कृषि विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय पांडे के प्रयास से पिछले वर्ष शुरू की गई सामूहिक खेती ने अब रंग दिखाना शुरू किया है। रामगढ़ में दुकानदार को पीटने के मामले में विधायक ने लिखा डीजीपी को पत्र। रजरप्पा मंदिर क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक 60 वर्षीय दुकानदार की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें इस मामले में सोमवार को विधायक ममता देवी ने भी हस्तक्षेप किया है। उन्होंने दुकानदार जयकिशोर साहु की पिटाई को पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि रजरप्पा थाने में पदस्थापित पुलिसकर्मी सुधीर सिंह और रोशन सिंह के द्वारा जो हरकत की गई है वह किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद का निधन। झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद का निधन हो गया है। बता दें तबियत खराब होने के बाद उन्हें बरियातू स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने सोमवार सुबह अंतिम सांस ली। वे 78 साल के थे। उनके निधन की सूचना के बाद कई लोग उनके आवास पहुंचे।
तीन इनामी सहित छह नक्सली गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिला में तीन इनामी सहित छह नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को खबर मिली थी कि पीराटांड थाना क्षेत्र के मंजीरा और बनासो जंगल में नक्सलियों का दस्ता मौजूद है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। धनबाद के स्टेट लेवल चैंपियनशिप में राहुल को मिला गोल्ड। धनबाद में आयोजित झारखंड स्टेट ओपन बेंच प्रेस व डेड लिफ्ट चैंपियनशिप 2020 में रांची जिला अंतर्गत राय प्रखंड क्षेत्र के युवा पावर लिफ्टर राहुल भगत ने गोल्ड जीता। राहुल ने 74 किलोग्राम पुरुष कैटेगरी में गोल्ड जीता है। इससे पहले भी युवा पावर लिफ्टर राहुल ने कई पदक अपने नाम किए हैं। गुमला में किया जाएगा 60 करोड़ के परिसंपत्तियों का वितरण। सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 29 दिसंबर 2020 को गुमला जिला में 20,823 लाभुकों के बीच कुल 60,60,18,186 रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने सोमवार को बताया कि उक्त परिसंपत्ति का वितरण 29 दिसंबर को परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम स्थल से किया जाएगा। भव्य रांची नगर निगम भवन का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। रांची नगर निगम के बढ़ते दायित्व और विस्तार को देखते हुए भव्य एवं आकर्षक भवन का निर्माण कराया गया है। बता दें कचहरी के पास बने यह भवन पूर्वी भारत में वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इस भवन की डिजाइन दिल्ली की कंपनी मास एंड वाइड ने की है। इस भवन के डिजाइन की सराहना सब लोग कर रहे हैं। बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को मोराबादी मैदान से एकीकृत रूप से ऑनलाइन इस भवन का उद्घाटन करेंगे। इको टूरिज्म से जुड़ेंगे 6 पर्यटन केंद्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इको टूरिज्म योजना का शिलान्यास मंगलवार को करेंगे। बता दें इसके तहत राज्य के लातेहार, रांची, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिले के 6 पर्यटन केंद्रों की 430 किलोमीटर की दूरी को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में एक सूत्र में जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना से झारखंड के इन 4 जिलों के पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।